एवरी वन वेलकम टू जी आर एस टेक्निकल तो कैसे हो आप सब आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ डज़ कलर कम्युनिकेट्स तो आज की इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक देखिएगा वीडियो हेल्पफुल होती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा सो so, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ डज कलर कम्युनिकेट्स यानी कि कलर जो होता है किस तरीके से कम्युनिकेट करता है ठीक है एग्जाम पैटर्न से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज के इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं तो देखिए कलर अफेक्ट्स ऑफ मूड सो सराउंड आर सेल्फ इन दी कलर दैट है पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन आवर मूड कलर जो है हमारे मूड पर बहुत ही जल्दी अफेक्ट करता है जैसे कि अगर हम किसी वाइट कलर को देखेंगे तो बहुत ही हम लोग को पीसफुल फील होता है रेड कलर को देखेंगे तो हमको थोड़ा डेंजर फील होता है थोड़ा अवेयरनेस फील होता है ना तो उसी तरीके से कलर का जो महत्व होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रेड कैन बूस्ट आवर एनर्जी येलो ऑफ एन मेक्स पीपल फील हैपियर एंड ब्लू इज प्रूवन टू ब्रिंग डाउट ब्लड प्रेशर एंड स्लोर आवर होटल पोर्ट्रेट विच इज़ वाई इज़ ऑफन एसोसिएटेड विथ बींग रिलैक्सिंग जैसे कि मैंने आप लोगों को भी बताया कि रेड कलर जो होता है उसमें एक पावर होता है एक एनर्जी होती है जैसे कि हम लोगों को पता चल जाता है कि यह कलर जो है वो डेंजर का है लव का है ठीक है येलो कलर फ्रेंडशिप का माना जाता हैप्पी माना जाता है ब्लू कलर जो होता है वो ब्लड प्रेशर को डाउन करने के लिए बोला जाता है ठीक है तो इस तरीके से कलर जो होता है बहुत ही जल्दी

कलर का जो कपड़ा होता है वो पेशेंट्स को पहनाया जाता है क्यों पहनाया जाता है ताकि वो थोड़ा काम फील करें हैी फील करें रिलैक्स फील करें वॉल्स बिल्कुल उनका एकदम लाइट मिंट कलर का होता है टिंट कलर का होता है क्यों होता है ताकि जो है पेशेंट थोड़ा रिलैक्स फील करे और वो जल्दी रिकवर हो पाए है ना तो देखिये वो यहाँ पर आप, आप लिखोगे वॉल्स देट आर बींग विंट पिंक टिंट कम्बाइंड मिट्ट ग्रीन फ्लोर्स आर अ पॉपुलर कम्बाइंड एज इट इज सेड टू क्रिएट अ सूदिंग हार्मोनियस एंड काम एरिया सो आज के इस वीडियो में हमने कवर अप करा है कि कलर कम्युनिकेशन क्या होता है आई होप कि आपको पसंद आया होगा वीडियो वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस तो वीडियो को आप सभी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए